महाभारत आप सबने देखी होगी कोरोना काल में, देखिए। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर कौन था मुझे बताइए। वेरी गुड, स्टैंड अप। अरे डोंट शेम, यही तो, यही चीज आज ये करे ना, हम करते थे, हम उनको क्वेश्चन आता था लेकिन नहीं बताते थे। क्यों? क्योंकि सर खड़ा करेंगे, हाँ क्वेश्चन होता, हम तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, लेकिन उनको थोड़ा शर्म आ रही है, जो भी हो। इसकी जगह मैं था ना बच्चों ने, मैं भी ऐसे करता था आपकी जगह, तो क्वेश्चन आता था लेकिन हम जवाब नहीं देते थे मन के मन। एक बात ध्यान रखना आप, सिद्धम तो इन्होंने आप सबने रॉन्ग आंसर दिया है। एकलव्य, एकलव्य विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर था, अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर नहीं था। अब याद आया होगा आपको, क्यों नहीं था? गुरु द्रोण पौरव के गुरु थे और गुरु द्रोण ने भीष्म पितामह को दो वचन दिए थे, एक वचन दिया था कि मैं सिर्फ कौरवों को ही धनुर्विद्या सिखाऊंगा, कौरव वंश में जो जन्म लेते उनको। और उनका सबसे प्रिय शिष्य था अर्जुन, और अर्जुन को गुरु द्रोण ने वचन दिया था कि विश्व में अगर कोई सबसे बड़ा धनुर्धर होगा तो वो तुम होगे, इसके अलावा कोई सबसे बड़ा धनुर्धर नहीं होगा। इन दो वचन से वो बन गए थे। जब एकलव्य उनके पास में शिक्षा लेने आता है तो एकलव्य को कहते हैं गुरु द्रोण, क्या बेटा देख, मैं सिर्फ कौरव वंश के बालकों को ही धनुर्विद्या सिखा सकता हूं, तुमको नहीं सिखा। तो वो हताश निराश हुए एकलव्य और वहां से चले गए। और एक चीज, एक बात ध्यान रखना, एकलव्य विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर बने थे सिर्फ दो कारण से, कंसिस्टेंसी और एकाग्रता। उनके पास कोई गुरु था? टेल मी वन थिंग, उन्होंने क्या किया था? गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई, स्थापित की, और कंसिस्टेंसली रोज प्रैक्टिस करनी तो करनी है, एकाग्रता के साथ में और निरंतरता के साथ। उनकी परीक्षा कहां होती है आप भी जानते हैं, जब कौरव और पांडव अपने गुरु के साथ में एक बार जंगल में आते हैं, सुनना उनका वो ऐसी क्या विद्या थी जो अर्जुन नहीं जानता था। वो आते हैं जंगल में और उनका जो एक कुत्ता था वो भी उनका साथ में ही चल रहा था, और उनका ही कुत्ता था, राज परिवार का कुत्ता था, उनके साथ में चल रहा था। तो कुत्ता रास्ता भटक जाता है और जहां एकलव्य अपनी धनुर्विद्या की परीक्षा कर रहे हैं वहां पहुंच जाते। एकलव्य फटे टूटे कपड़े, बेचारा गरीब परिवार से, कोई कपड़े नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे, तो कुत्ता उनको देख उनको, तो कुत्ते को बाण तीर भी मारे और कुत्ते को एक सिंगल चोट भी न लगे और कुत्ते का मुंह बंद हो जाए, वो एक एक करके 7 तीर कुत्ते के मुंह में लगाते। जब तीर कुत्ते के मुंह में जाते हैं ना तो एक सिंगल बूंद भी खून की नहीं निकलती और एक सिंगल दर्द भी कुत्ते को नहीं होता है और कुत्ते की जीवन बंद हो जाती। कुत्ता वापस जाता है गुरु द्रोण और उनके कौरव और पांडव के यहां पे उनके साथ में। तो अर्जुन शोक्ड अपने गुरु से कहता है, गुरु द्रोण से, गुरुदेव ये विद्या तो आपने हमको सिखाई नहीं, मेरे को इस कुत्ते को देखिए, एक भी सिंगल चोट इस कुत्ते को नहीं आई और सिर्फ अपनी बोली वो करना बंद हो चुका है। तो गुरु द्रोण आश्चर्य में पड़ गए, बिल्कुल राइट बात, ये विद्या तो मैंने अर्जुन को भी नहीं सिखाई। तो जाते हैं एकलव्य के पास में और एकलव्य को पूछते हैं, कैसे कैसे किया ये तुमने? तो एकलव्य क्या कहता है? तो गुरुदेव ये सब आपकी ही तो कृपा है, अगर आज के जमाने में हो तो लोग क्या करते हैं? अरे गुरुदेव रहने दो, आपने हमको पढ़ाया क्या? हम आपके पास आए थे, पढ़ाया क्या आपने? रहने दो, मैं तो मेरे बल पे सीखा मैंने, साफ मना कर दोगे आप? क्या आपने जब उस वक्त में आपके पास आए तो आपने मेरे को क्या कहा था कि मैं नहीं पढ़ूंगा तुमको? लेकिन उस वक्त जो देखिए हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, गुरुदेव ये तो आपकी ही कृपा है। तब गुरु द्रोण को वो वचन याद आता है अर्जुन का कि ये विद्या मैं कितनी भी अर्जुन को सिखाऊंगा लेकिन अर्जुन नहीं सीख पाएगा। तो जो इंसान मेरी अनुपस्थिति में इतना सीख सकता है तो मेरी उपस्थिति में कितना सीख सकता है? तो उन्होंने क्या किया, अपने वचन में बंधे थे और एकलव्य से अपना अंगूठा मांग लिया, मांगा था
तो दिस इज द एकलव्य इज द सर्वश्रेष्ठ रुद्र इन द वर्ल्ड। लेकिन अपन क्या जानते हैं, अर्जुन। लेकिन आप एक चीज एकलव्य के पात्र से एक चीज नोट करना, कंसिस्टेंसी और एकाग्रता। इसके दम पर वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुधर बना। अगर ये चीज वो नहीं करता, अब सुनो, वो बिना गुरु के बार 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 बाण चलाता, बार बार। कितनी बार बाण टूटे होंगे, कितनी बार हजारों बार गलतियां होगी, लेकिन फिर भी वो हजारों गलतियों से वो सीखा बिना गुरु के और सर्वश्रेष्ठ धनुधर। तो आपको पढ़ना है, आप बिजनेस के फील्ड में जाए, आप किसी भी फील्ड में जाए, दो चीज तो आपको रखनी होगी, कंसिस्टेंसी और एकाग्रता। इसके बिना आप कुछ नहीं करते।